Afternoon, students. They will talk. हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. कंप्लीट कर चुके हो कि चल रहा है अभी? कंप्लीटेड. कंप्लीटेड. ओके, नया चैप्टर कौन सा कर रहे हो? अभी स्टार्ट करना है, किया नहीं है. ओके, चलिए जी. तो हमने अभी आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर ही काम करना है. पिछली बार आपके पास जो मॉड्यूल था उसके क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस किए थे. आज मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी. जो आप सिक्स क्लास में करके आते हो काम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम पहले तो ये बताओ. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. फैक्टर के मल्टीपल. मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल का मतलब कोई भी नंबर है उसको अगर मैं काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाऊं तो मुझे उस नंबर के मल्टीपल्स मिलते जाते हैं. सपोज मैं 3 के मल्टीपल्स लिखूं तो आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, सो ऑन एंड सो. बच्चों, एक नंबर के कितने मल्टीपल्स मैं लिख सकती हूँ? कैन आई काउंट द नंबर ऑफ मल्टीपल्स? हाउ मेनी मल्टीपल्स फॉर अ नंबर कैन बी रिटन? अरे बोलो जल्दी से. मैम 10. 10? सिर्फ 10 ही लिख सकते हैं, उसके आगे नहीं लिख सकते. मतलब अगर मैं 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो मुझे 30 पे जाके रुक जाना होगा, आगे नहीं जा सकती. जहां तक मर्जी चली जाऊं मैं, आई टेक अ नंबर से 39, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. क्योंकि 39 को, अब जब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 मिलेगा. इसका मतलब किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं इनफाइनाइट, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स भी इनफाइनाइट, 1, 2, 3, 4 चलते जाओ, इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर्स, तो मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट ही होते. लेकिन अगर हम फैक्टर्स की बात करें, व्हाट डू मीन बाय फैक्टर ऑफ अ नंबर? सपोज मैंने नंबर लिया है से 12, एंड आई आस्क यू टू टेल द फैक्टर्स ऑफ 12. कैसे निकालते हैं फैक्टर, मतलब क्या होता है फैक्टर का? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर? इज 2 अ फैक्टर ऑफ 12? क्यों? क्योंकि जब आप 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो फुली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर मेरे पास नहीं बचता. तो फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते, एग्जैक्ट डिवाइजर. तो अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से होता है, क्या 5 इसका फैक्टर होगा? 6 इज द फैक्टर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इज द फैक्टर. इसका मतलब अगर जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो फैक्टर तो किसी भी नंबर के होंगे फाइनाइट, लेकिन मल्टीपल्स कैसे होंगे? इनफाइनाइट. पहली बात, फैक्टर्स का मतलब वो चीज जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते, मल्टीपल का मतलब गिवन नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ और जो जो मिलता जाए वो मल्टीपल होता जाएगा. हमने बात करनी है एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लो जी, मैंने पहले 3 के मल्टीपल लिखे और अब मैं कह रही हूं 4 के मल्टीपल लिख ले. 4 के मल्टीपल लिखेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 यहां भी चले तो 24 आ जाएगा. अब अगर मैं बात करूं
कॉमन मल्टीपल, पहले हमने समझा मल्टीपल, अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल। बच्चों अगर मैं यहाँ पर तीन और चार के कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं तो कौन से कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं? 24, दैट इज द ओनली कॉमन मल्टीपल। 12 मेरा कॉमन मल्टीपल, और 12 के साथ साथ जो दूसरा कॉमन मल्टीपल है वो है 24। अब मुझे बताओ यहां पर हमने वर्ड यूज किया लीस्ट, अगर मैं कहूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 12 भी कॉमन मल्टीपल है, 24 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन मैं बात कर रही हूं लीस्ट, 12 और 14 में लीस्ट छोटा कौन? 12। ठीक है जी। सो कभी भी अगर मुझे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो मुझे क्या करना होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल उठाना। ठीक है जी। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि जितने भी मुझे नंबर दिए मैं उसके मल्टीपल लिखूंगी फिर ऐसे ढूंढने जाऊंगी, वो तो होता नहीं। तो क्या आपको याद है कि अगर आपके पास 2 या 3 नंबर आ जाए उसका एलसीएम कैसे लेते थे? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes. अगर आपको याद है तो आप मुझे जल्दी से निकाल के बताएंगे एलसीएम ऑफ, यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स, वन इज 88, अनदर वन इज 64। जल्दी से बता दो जरा एलसीएम ऑफ 88 एंड 64। ये एलसीएम निकालने की जरूरत हमें पड़ने वाली है लीनियर इक्वेशंस में सॉल्यूशन करने के लिए, इसीलिए इसमें का जरा 10 मिनट लगा के एक बार क्विक रिवीजन दे ले फिर बात करते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 88 एंड 64? दिस इज समथिंग आई वांट टू नो। आता जाए आंसर जरा हाथ उठाते जाना, रेज योर हैंड्स हूसोएवर हैज गॉट द आंसर ऑफ एलसीएम। चलिए आ रहा है, वेट करते हैं, लेट ऑल ऑफ यू बी एबल टू कैलकुलेट इट। नीचे कर लो हाथ, नीचे कर लो, नीचे कर लो। ठीक है, हाँ जी, 8C में से किस किस का आ गया है एलसीएम? 8C, 8C में से एक बच्चे का आंसर आ गया, 2 का आ गया है। क्या आंसर आया बेटा 8C में से? व्हाट इज द एलसीएम? 704। कैसे हम कर रहे थे? सबसे पहले लीस्ट प्राइम फैक्टर से शुरुआत करते हैं, अभी भी 2 कॉमन है दोनों में, 22 16, देन 2 11 एंड अब जब हम 11 और 8 पर आ गए हैं तो एक तरीका हो सकता है कि जैसे यहाँ 8 है मैं फिर से प्राइम पे चले जाऊं 11 एंड 4, देन आई गो टू 2, 11 एंड 2, देन आई गो टू 2 अगेन 11 एंड 1, देन आई गो टू 11, 1 एंड 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा एलसीएम विच इज 04। या दूसरा काम मैं क्या कर सकती थी, मैं यहीं पर रुक जाती, मैं ये काम मत करूं, इसके बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन मल्टीपल नहीं बचा तो मैं क्या करूं, मैं इन 4 नंबर्स को और इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरे पास, सॉरी ये नहीं, ये और ये मल्टीप्लाई करके मेरा एलसीएम आ जाएगा। चलिए, मतलब एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन हु इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग द एलसीएम डू टेल मी, फटाफट बता दो अगर किसी को एलसीएम निकालने में कोई इशू है तो, क्योंकि एलसीएम निकालना हमारा यूज होगा अभी जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। दूसरी चीज जो हमें जरूरत पड़ने वाली है दैट इज जब भी मुझे 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है
तो मेरे फ्रैक्शन कैसे होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. अब अगर फ्रैक्शन लाइक नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन हैं, तो क्या उनकी एडिशन हो ही नहीं सकती कि हो सकती है? हो सकती है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए, चलो पहले लाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं. सपोज मेरे पास है 7/8 प्लस 3/8. आई वॉन्ट टू एड दीज टू, वॉट विल बी द आंसर? टेन बाय 7 + 3 = 8. 10/8 विल बी द आंसर. लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, जो मेरे पास फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं, वो कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस. सपोज मेरे को अभी ऐड करना है 5/7 प्लस से 3/9. बताओगे क्या आंसर बनाते हो? हाउ टू एड टू अनलाइक फ्रैक्शंस? एक मिनट, सबने नहीं बोलना. 8th A में से हरमन, हरमन फ्रॉम 8th A, कम नियर द माइक एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर एंड हाउ यू हैव कैलकुलेटेड इट. Taking the LCM. What is the LCM of 7 and 9? What is the LCM of 7 and 9? 3. 7 और 9 अगर मैं फैक्टर्स देख रही हूँ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर्स हैं. को प्राइम नंबर्स का LCM दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है. सो आंसर बना मेरा 63 फॉर दी LCM. चलिए जी, LCM ले लिया 63. अब क्या करूं? बोलो जी, आगे क्या फर्दर मेरे पास? बेटा आवाज नहीं आ रही है माइक, या तो हाथ में ले लीजिए. 45 + 21. ठीक है जी, चलिए सीट पे. एक बार मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. हमें मालूम है कि जब हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएं. लाइक फ्रैक्शन का मतलब है डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं. डिनोमिनेटर एक में 7 पड़ा है, एक में 9 पड़ा है, सेम करने के लिए हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट लिया. 7 और 9 का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 63. यहां 7 पड़ा है, I want to make it 63. 7 को 63 बनाने का मतलब है 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेम वे इसको 63 बनाना है, तो यहां 7 से मल्टीप्लाई, यहां 7 से मल्टीप्लाई. तो ये हो गया 45/63 और ये हो गया 21/60. अब लाइक फ्रैक्शंस बन गए. लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, तो अब हमने क्या किया यहां पर, 45 + 21, सो आंसर हो गया आपका 66/63. ठीक है जी. अब अगर मेरे पास जो फ्रैक्शन आपने ऐड करने हैं दे आर One by seven plus two by fourteen plus three by five. Sorry,
चेंज करें। वेट कर दिया। हाँ जी, तो अब मुझे पहले क्या करना है, मुझे 7, 14 और 5 का LCM. चलो जी सबसे पहले तो एलसीएम निकाल, 7, 14 और 5 का एलसीएम देख लेते हैं। 7 मेरे पास प्राइम फैक्टर 1, 2 और 5, मैं इसको फर्दर नहीं कर रही, इसी स्टेज पर इन सबको मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। या आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर 2 लिया आपने, 1, 1, 5, फिर आपने 5 लिया, 1, 1, 5, और इन तीन की मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिलना है एलसीएम, विच इज कमिंग आउट टू बी 70। ठीक है जी, तो एलसीएम आ गया है मेरे पास 70। इसका मतलब मुझे हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 70. यहां पर पड़ा है 7, बनाना है 70। किससे मल्टीप्लाई करूं, 10. अगर एज सच ये तो चलो आसान है, सामने से दिख रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, अदरवाइज क्या करो, जो एलसीएम है उसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देख लो, क्या आ गया 10। तो मुझे पता चल गया कि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए जी आगे चलते हैं, 14 पड़ा है और 70 बनाना है। कैसे आई ये 5 की फिगर, 70 को 14 से डिवाइड किया, 14 5 70, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड। आगे चलिए जी, 70 बनाना है, 5 पड़ा है, 40. फिर से 70 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 5, 2 रिमाइंडर 0, 5 4 20, मतलब कि 14 से मल्टीप्लाई और 14 से डिवाइड, तो मेरे पास जो फ्रैक्शंस बन गए 10/70, 10/70, 40/70, तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, 70 हो गए हैं, तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड, 10 + 10 + 42, तो 62/70। इसको फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हो, दो दोनों में कॉमन है तो आप फर्दर इसके रिडक्शन भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब एलसीएम लेने में और फ्रैक्शंस को ऐड करने में आप सबको आता है, आई नो, सिर्फ एक रिवीजन मुझे देना था ताकि क्वेश्चन में जा करके हमें दिक्कत इस बात की एटलीस्ट ना पड़े। इज इट ओके, चले आगे। यहाँ तक कोई डाउट अगर किसी को है तो पूछ सकते हो। नो चलिए जी, फिर अगर डाउट नहीं है तो एक चीज और जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब, सपोज मेरे को दिया है 3/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 7 और मुझे कहा जाए एक्स फाइंड आउट करो, तो हम कहते हैं हम यूज करें कॉन्सेप्ट कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड दिस विद दिस, क्रॉस ये देखो क्रॉस बन गया ना, 3 × 7 इज इक्वल टू 5 × x, 21 इज इक्वल टू 5x। अब x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, 21/5 इज योर एक्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड डू रिमेम्बर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस तभी लगता है जब दो एक्सप्रेशन इक्वल टू के डिफरेंट साइड्स पर पड़े हों, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अनदर ऑन द राइट हैंड साइड।
अगर मेरे पास पड़ा है x बाय थ्री माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल टू समथिंग, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना लगाना शुरू कर देना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहां पर लगेगा? इक्वल टू के डिफरेंट साइड्स पर। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल टू आप लोगों के पास होगा लीनियर इक्वेशन का, जो पिछली बार आपके पास मॉड्यूल था वो खोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस सिक्स पी माइनस नाइन डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू टू पी प्लस नाइन डिवाइड बाय फाइव, और आपको कहा गया पी की वैल्यू निकालो। तो अब यहां पर इक्वल टू के दोनों तरफ अलग अलग एक्सप्रेशन पड़ा है, तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू माइनस सिक्स पी माइनस नाइन इज इक्वल टू 3 इंटू टू पी प्लस नाइन। करिए अब इसको सॉल्व और मुझे पी की वैल्यू बताइए, क्या बना रहे हो? माइनस टू। किसका आंसर आ गया है माइनस टू? रेज योर हैंड्स। चलिए अभी बाकियों को कर लेने देते हैं। सिक्स सी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ट्राई करो। सिक्स बी और सी से ना, बी से आंसर आगे हैं, ए और सी से अभी हाथ ज्यादा खड़े नहीं है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट ट्राई इट आउट एंड टेल मी। शाबाश, ब्रैकेट खोलिए। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ 5 पड़ा, अंदर माइनस सिक्स पी माइनस 30 पी माइनस 45 माइनस टू। अगला स्टेप बताइए क्या करें? इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 6p जो इधर पॉजिटिव था इधर गया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का 45 इधर गया तो माइनस 36p इज इक्वल टू 72। तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? माइनस 36 से डिविजन, 36 टू जा इज 72, तो आंसर इज माइनस टू। जिसको समझ में नहीं आया है वो बता दो। एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। यहां हम वापस वही चीज रिवाइज कर रहे हैं, अगर कोई डाउट हो तो बता दो। हाँ जी, सिक्स बी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, एक्स निकालना है। अब यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले अगर आप इसको 2/1 लिख लें तो गलती का चांस रिड्यूस हो जाता है। राइट इट एज 2/1। एक साइड फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, एक बिना फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो राइट दैट अपॉन वन करके फ्रैक्शन में बना लो, ताकि बस थोड़ी सी कंफ्यूजन कई बार जो वो नहीं होती है। दैट इज दी ओनली थिंग। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इस, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4x प्लस 3। लो जी, करो सॉल्व और x की वैल्यू निकाल दो। माइनस माइनस यहाँ पर माइनस 2, फिर से माइनस 2। अब माइनस दो वैल्यू जिसकी नहीं आई है वो बताएगा मुझे। एट्थ ए पीछे जो लास्ट में स्टूडेंट्स बैठे हैं,
लास्ट बेंच, हैव यू गॉट द आंसर एज -2? आ जा बेटा मैम, पिछले वाले में से रो में से किसी भी बच्चे को आगे माइक के पास भेज दीजिए प्लीज। एनीवन व्हिच यू फील कि काम नहीं कर रहा उसको आगे भेज दीजिए माइक के पास। लास्ट बेंच स्टूडेंट इन द येलो टी शर्ट कॉर्नर में जो बिल्कुल बैठा है बच्चा, आगे आ जा फटाफट दौड़ के। हाँ आ जा बच्चे। परम कैसे मैंने सिक्स एट्थ ए से बोला था। हाँ बेटा बताओ कैसे सॉल्व करना है इसको आगे। मैंने स्टेप बोल बच्चे कैसे सॉल्व करूं आगे। स्टेप बता दे बेटा, आप बोलते जाओ मैं लिखती जाऊंगी। ये साइड 3x-4 इज इक्वल टू 2x+3, बोलो कैसे सॉल्व करूं। बोलो क्या ये ब्रैकेट को ओपन कर लें बेटा, करें ये बताओ। ये ब्रैकेट ओपन करवाओ मेरे से। लो जी आप जो बोलते जाओगे मैं लिखती जाऊंगी। ये साइड में कुछ था नहीं ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट ओपन करके क्या बनेगा बोल बेटा।8x+6 6 ये 2 जो बाहर पड़ा है अंदर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई, 4 2 8, 3 2 6। आगे क्या करूं बेटा। ये जो बच्चा खड़ा है 8th A में माइक के पास, ये इधर उधर क्यों देख रहे हो बेटा, बोर्ड पे क्वेश्चन है। आपने सिर्फ स्टेप ही बताना है मुझे, अगला स्टेप बता दे बच्चे क्या करूं। नाम बोलो बेटा अपना क्या है। मरमान हाँ जी मरमान तो बच्चे आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या करने आगे, कुछ तो बोल दो। नो अच्छा मतलब आपको ये इक्वेशन आगे फर्दर सॉल्व करनी नहीं आती है। यहां पर देखो बेटा हमने क्या किया था, जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट्स एक तरफ ले जाए और कोई नहीं बोलेगा। अभी मैं ये 8x राइट हैंड साइड से इक्वल टू के इस तरफ लेके जाना चाह रही हूं। इस तरफ ये पॉजिटिव है, जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कैसा कैसा हो जाएगा, बस बस जो खड़ा है वो बोलेगा। हाँ जी कैसा हो जाएगा जब दूसरी तरफ जाएगा तो -6 ये हो जाएगा नेगेटिव का ये 3x, ये इधर आया तो माइनस का 8x। ठीक है जी। अब जाएगा ये जो माइनस का 4 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 6+4। अब बच्चे मुझे बता, अगर मैं 3x में से 8x माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे। हाँ -5 5x के माइनस 5x, -5 क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इसीलिए मेरे पास यहां से आ गया -5x और इधर क्या आ गया बेटा। मैम 6+4 6+10। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है -5x इज इक्वल टू 10। मुझे एक्स चाहिए तो क्या करूं, -5 से डिवाइड तो एक्स की वैल्यू माइनस। टू अब मुझे बताओ बच्चे ये समझ में आया क्या किया हमने। अब आगे क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व, अभी थोड़ी देर में दोबारा बुला के पूछूंगी मैं क्वेश्चन अगला, देख ले बेटा कहीं कोई डाउट है तो पहले बता दो मुझे, चेक कर लो कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो जी यहां हमने ब्रैकेट खोली, ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो गया 8x, ये हो गया 6। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए वेरिएबल्स को एक तरफ रखना था, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ लेके जाना था, तो ये जो 8x है इसको उठा के इधर ले आया, इधर प्लस का
ये माइनस का चार दूसरी तरफ गया तो प्लस का, तो ये माइनस फाइव एक्स इक्वल टू टेन डिवाइड बाय माइनस फाइव, सो एक्स की वैल्यू माइनस, इज इट ओके? चलिए जी, चलिए सीट पर चलिए। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज नाउ एडिंग द फ्रैक्शंस टाइप क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन में हमारे पास ऊपर नंबर्स ना होकर के वेरिएबल, हाँ जी, अब हमारे पास यहां पर वेरिएबल्स पड़े हैं, नंबर्स नहीं पड़े हैं, तो कॉन्सेप्ट वही एलसीएम वाला, क्योंकि है तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है तो सीधे सीधे तो ऐड होंगे नहीं, लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब है एलसीएम लेना पड़ेगा। लो जरा इसका एलसीएम, सिंप्लीफाई करो और देखो जरा क्या बनाते हो। मैम x = 6, x की वैल्यू 6, किसने आंसर दिया, हाथ खड़ा कर दो। ठीक है जी, 6 a में से आंसर आ गया, x = 6। बाकी फटाफट से देखें जरा क्या करेंगे, जिस जिसका आंसर आ गया है 6 हाथ खड़ा कर दो। 6 b में से दो बच्चों का हाथ खड़ा है, c में से चार पांच का, a में से काफियों का खड़ा है, बाकी 6 b वाले जल्दी जल्दी काम करो जरा। ठीक है जी, पुट योर हैंड्स डाउन। मुझे तीन और दो का एलसीएम लेना है, कितना आएगा तीन और दो का एलसीएम? कुछ भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन से six. अब वही पुराना कॉन्सेप्ट, दोनों के डिनोमिनेटर को छह बनाना है, पड़ा है तीन, छह को तीन से डिवाइड करूंगी आ गया दो, मतलब ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई। यहां पर दो पड़ा है, बनाना है छह, डिवाइड किया तो आया तीन, थ्री इंटू एक्स अपॉन टू इंटू थ्री और इज इक्वल टू पांच। लो जी, ये बन गया 2x अपॉन 6, ये बन गया 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। यहां तक जिसको जो बात समझ नहीं आई है वो पूछ। सिंपल, हमने क्या किया, तीन और दो का एलसीएम आया है 6, यहां तीन पड़ा था, 6 बनाना था, 6 को तीन से डिवाइड करके देख लिया, दो, दो से मल्टीप्लाई डिवाइड, छे को दो से डिवाइड किया तीन आया, तीन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो छे और न्यूमिरेटर में 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5, सो आई एम हैविंग 5x बाय 6 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों, क्या मैं ये पांच और ये पांच कैंसिल कर सकती हूँ? यस, हाउ मेनी ऑफ यू से आई कैन डू इट? Raise your hands. How many of you say we can do it? Sixth, eighth A वाले कहते हैं कि नहीं कर सकते, कोई किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। बच्चों, we can do it. ये बात ध्यान रखना, जब भी आप equal to की दो तरफ हो, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से या तो फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसल कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है जी, जब हमने यहां पर कैंसिल आउट किया तो मेरे पास बच गया एक्स बाय 6 इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6। या आप क्या कर सकते थे, 5x बाय 6 इज इक्वल टू 5 बाय 1, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 5, x निकालने के लिए 5 से डिवीजन, तो अल्टीमेटली अभी भी 5 और 5 काट ही रहे हो, ये 5 और ये 5 ही काट रहे हो, सो मैं यहीं पर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का जो 5 पड़ा है वो कैंसल कर सकती थी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो मेरा आंसर जो यहां बन गया, दैट इज x इज इक्वल टू 6।
चलिए जी सर, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दीजिए, थोड़ा ध्यान से करना, इसमें गलती होने का चांस है। 3t, इसको 3t/1 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। माइनस टी माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4 - t - 1/4। दोनों तरफ अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। इस टर्म को भी मैं लिख देती हूँ 4/1, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। टेक द एलसीएम ऑन बोथ द साइड्स एंड ट्राई टू सॉल्व, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ दोनों के इन बिटवीन नेगेटिव साइन पड़ा है, नेगेटिव साइन के साथ आपको एक्स्ट्रा अटेंशन पे करनी पड़ती है वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लो जी, पहले तो एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो और देखो जरा क्या बनाते हो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व इट। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक दी एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3। इसका मतलब मैंने यहां पर 3 बनाना है, यहां तो ऑलरेडी 3 है। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। और इधर एलसीएम क्या है? 4। तो यहां पे 4 बनाना है, तो 4 × 4/4 - t - 1/4। यहां तक कोई दिक्कत? 1 और 3 का एलसीएम 3 है, इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर 3 बनाने हैं। यहां 1 पड़ा है 3 बनाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां पर 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हो गया 90/3 - t - 2/3 इज इक्वल टू 16/4 - t - 1/4। अगले स्टेप में बहुत जरा ध्यान से काम करना है। जब आप इन दो को अब सिंप्लीफाई कर रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम 90, बीच में जब भी बच्चों माइनस साइन हो और उसके बाद एक से ज्यादा टर्म्स हो, ऑलवेज पुट देम इन ब्रैकेट, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होती है। ये माइनस इसके साथ तो चले जाएगा, इसके साथ बेचारा जाता ही नहीं। सो आई रिपीट, व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिव साइन एंड आफ्टर दैट देयर आर मोर देन वन टर्म्स, पुट ऑल दोस टर्म्स इन वन ब्रैकेट। इधर चले, यहां आ गया 4, 16 - फिर से 2 टर्म्स हैं तो t - 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 43/35 इज द आंसर। आंसर इज करेक्ट, 43/35। हां जी, 8C, माइक ऑन करो पहले तो, अपना माइक ऑफ है आपका, स्विच ऑन द माइक। 8C, हाँ जी, यहां तक बताइए। आपका माइक, आप
माइक अपना थोड़ी चेंज बट नियर द स्पीकर, थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ा सा हाँ स्पीकर से दूर कर दो इसको अभी। हाँ नाउ इट विल बी ओके। चलिए हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? 9C? नो मैम। चलिए जी अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो जरा क्या होगा। ये ब्रैकेट खोलनी है मुझे, 90, ये जो प्लस का टी था माइनस का हो गया, माइनस का दो था प्लस का हो गया डिवाइड बाय थ्री। सिमिलरली प्लस का टी माइनस का हो गया और माइनस का वन प्लस का बन गया। 90 माइनस टी एच टी प्लस टू डिवाइड बाय थ्री, दिस इज 17 माइनस टी बाय फोर। हाँ जी, एट बी से अब मुझे बताना है सिद्धार्थ। हाँ जी बेटे, अगला स्टेप बताओ मुझे क्या करूं। हाउ टू सॉल्व इट फर्दर, जल्दी जल्दी बोल दो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। फोर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और थ्री से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करवाओ बेटा। 32t+8 इज इक्वल टू, अगली ब्रैकेट 51 + 51 - 3 51 माइनस थ्री टी। ठीक है जी, जाओ सीट पर। 8C से जसलीन, जसलीन फ्रॉम 8C, आगे बताओ बच्चे क्या करूं। मुझे टी की वैल्यू चाहिए, फर्दर क्या स्टेप करना है? हाँ जी लाओ फिर। ये माइनस थ्री टी जब इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ जी प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। 32t + 3t, और ये कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, ये प्लस का 8 है उधर जा करके, माइनस माइनस का। 32t + 3t कितना हुआ? 35t एंड 51 - 8 43। ठीक है बेटा चलो सीट पे। सो टी की वैल्यू 43 डिवाइड बाय 35, वैल्यू ऑफ टी इज 43 डिवाइड बाय 35। एक एक स्टेप अगर ध्यान से देखते जाओगे करते जाओगे तो कभी गलती नहीं करोगे। जब भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ रहा है पहला स्टेप एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर्स को जो एलसीएम है वही बनाना है। लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे, एडिशन हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर शिफ्टिंग ऑफ वेरिएबल, ऑल द वेरिएबल ऑन वन साइड, ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑन अनदर साइड, एंड यू विल गेट योर आंसर। जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन कर दो, फिर हम केस स्टडी पर चलेंगे। लो जी सारे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है 2y - 3/4 माइनस ऑफ 3y - 5/2 इज इक्वल टू y + 3/4। अभी भी दोनों तरफ एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लेकर के दोनों साइड्स सिंप्लीफाई होंगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, वेरिएबल्स शिफ्ट होंगे और आंसर निकलेगा। जल्दी से, 2 मिनट दे रही हूं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी स्टेप्स को फॉलो करो और आंसर निकालो। शाबाश जल्दी से। और एक रिक्वेस्ट है, जिसको भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए वो आओ माइक के पास और पूछो। डाउट्स के साथ नहीं जाना है हम। आप लोग क्लास में एक बार कर चुके हो,
अभी हम दोबारा वही चीज कर रहे हैं, और अभी भी अगर डाउट्स रहेंगे तो फिर दिक्कत। ठीक है जी, तो कोई भी पॉइंट, कहीं भी कोई भी डाउट अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो आपने मेरे से पूछना है। शाबाश, जल्दी जल्दी। पहले लें एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में मैं इस टर्म को फिर से टू अवॉइड द कंफ्यूजन वाई अपॉन वन ले रही हूं। शाबाश, जल्दी से। Follow the steps carefully so that you do not commit any mistake. वन बाय टू हाँ जी बेटा, आंसर वन बाय टू। यस, जिनका नहीं आया वो हाथ खड़े कर दो। जिन जिन का आंसर वन बाय टू नहीं आ रहा वो हाथ खड़े कर दो। एट्थ बी से थर्ड बेंच पे कॉर्नर में येलो टी शर्ट में जो बच्चा बैठा है माइक के पास आ जाओ बेटा फटाफट। हाँ जी, मुझे स्टेप बताओ क्या किए। पहला स्टेप क्या किया बेटा? पहले एलसीएम लिखवाना। चार और दो का कितना आया? चार और दो का एलसीएम एट। चार और दो का एलसीएम किसका? एलसीएम आठ आया पहले, तो वो हाथ खड़ा कर दो। चार और दो का, दो और चार का एलसीएम आठ किस किसने निकाला है? हाथ खड़ा करो जल्दी से। बहुत महान है, तभी मैंने कहा था एलसीएम तो बता दो पहले, आता नहीं आता निकालना। एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था? ये दो चार, सबसे पहले क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कब करना था? अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं होता तब। क्या दो और चार में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा नंबर जो दो और चार दोनों में आ रहा है क्या? मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकती हूँ? तो क्या करना पड़ेगा? पहला प्राइम फैक्टर दो, टू वन जा टू टू जा, अब कुछ कॉमन नहीं है तो सबसे पहली बात तो एलसीएम कितना आना है? तो पहली गलती तो यहीं पर हो रही है। ये गलती सभी को समझ में आई जिस जिसने की है? बच्चों एलसीएम निकालना बिल्कुल छोटी सी बात, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। एलसीएम निकालने का मेथड मैं भी इसीलिए पहले एलसीएम ही करवाया था क्योंकि मुझे मालूम है गड़बड़ करते हो आप लोग। जिन नंबर्स का एलसीएम निकालना है सबसे पहले देखो उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर ना हो कॉमन तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं आता। समझ में आई ये बात बेटा? ये जो खड़ा बच्चा, जाओ जी सीट पे जाओ। दो और चार का एलसीएम निकाला, टू वन जा टू 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 जा फोर, अब इन दो नंबरों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम हो गया। अब एट्थ बी में से ही थर्ड रो में
ये जो अभी येलो टी शर्ट वाला था उसके दूसरी तरफ जो पर्पल टी शर्ट में बैठा है स्टूडेंट वो आगे आ जाए, दैट कॉर्नर अनदर कॉर्नर। चलो आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, अब एलसीएम चार आ गया है मेरे पास, अब क्या करूं बेटा? एलसीएम आ गया, अगली क्या करना? एलसीएम इज फोर, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी चार है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है या ये ऐसे ही रहेगा? लो जी, इसको ऐसे ही लिख दिया, 2y-3/4। यहां पर दो पड़ा है डिनोमिनेटर में, एलसीएम चार है मतलब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है मैंने? फोर। कैसे बनाऊं? मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? टू से। यहां पर एलसीएम चार आया था, चार को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कोशेंट दो आ गया, इसका मतलब दो से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। चलिए अब एक काम करो, जरा ये दूसरी साइड का भी एलसीएम एक बार बता दो क्या आ रहा है, फिर हम किसी और को बुलाते हैं सॉल्व करने के लिए। बोलिए जी, इधर का एलसीएम क्या है? फोर। यहां पर क्या किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है? किससे करूं? फोर से। फोर इंटू वाई अपॉन वन इंटू फोर प्लस 3/4। चलिए जी, आप सीट पे बैठिए। 2y-3/4 माइनस टू टाइम्स 3y-5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4y/4 प्लस 3/4। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं तो ये बन गया 2y-3 नेगेटिव साइन के साथ 2 टाइम्स 3y-5 और यहां बन गया 4y+3 डिवाइड बाय 4। अब बताना जरा, क्या ये चार और चार दोनों जो डिनोमिनेटर में इक्वल टू की दो अलग अलग तरफ पड़े हैं क्या कैंसिल कर दो? Yes. लो जी कर दिया। देखो जी अगला स्टेप, यहां देखें तो है 2y-3 नेगेटिव साइन 2 टाइम्स 3y-5 इज इक्वल टू 4y+3। अब 8c से नैतिक, नैतिक फ्रॉम 8c, कम नियत माइक क्विकली एब्सेंट है। ओके जी, प्राची, प्राची फ्रॉम 8c, कम नियत माइक और बताइए मुझे इसको मैं फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करूं? बोल बेटा क्या करूं? ये जो पहली टर्म है इसमें कुछ चेंज हो सकता है या ऐसे ही रहेगी? है बोल बेटा, पहली टर्म मैंने लिखी 2y-3 विद इन द ब्रैकेट, कैन आई चेंज इट? क्या कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या ऐसे ही रहेगी ये टर्म? आवाज नहीं आ रही है मुझे, जोर से बोलो। नो, माइक हाथ में ही ले लो, माइक हाथ में ले लो। 2y-3 अगले टर्म में बताओ बेटा क्या करूं? सिक्स वाई माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस टेन। बेटा ये जो बाहर माइनस पड़ा था इस माइनस ने अंदर के साइंस को चेंज नहीं करना, करेगा कि नहीं करेगा? Yes. इसका मतलब ये जब दो से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ये माइनस पड़ा है तो क्या बनेगा? माइनस सिक्स वाई। और अगले टर्म दोबारा बोलो क्या बनेगी? प्लस टेन इज इक्वल टू 4y+3। ये बात समझ में आई है बच्चे? Yes. जाओ सीट पर। 8c से ही साहिल,
साहिल फ्रॉम 8C, कहाँ है साहिल? इधर उधर देख रहा है, फटाफट आ जा आगे बेटा, इसको आगे सॉल्व करवा बेटा, क्या करूं? टू वाई माइनस थ्री माइनस सिक्स वाई प्लस टेन, कुछ आगे इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? बोल बेटा, कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या बस ठीक है ऐसे छोड़ दूं इसको, कुछ नो नहीं कर सकते बेटा? ये दो टर्म्स क्या लाइक टर्म्स हैं? यस लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया जा सकता बच्चे? करो यस फिर इकट्ठा, वाई माइनस सिक्स वाई क्या बनेगा? टू वाई माइनस सिक्स वाई, फोर हाँ जी, चार वाई वाई ये नेगेटिव तो हमें समझ कभी आया ही नहीं, पता नहीं कैसा सा है ये, हमें बस यही गलत है, हम तो ठीक ही हैं बेटा। दो वाई में से छह वाई निकाल दोगे तो आंसर चार वाई आएगा कि माइनस चार वाई आएगा, तो -4 भाई। छठी फिर पहले क्यों गड़बड़ होती है? छठी क्लास से इंटीजर्स क्या सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हो, तो 8th क्लास में आके भी यही गलती करोगे? माइनस का चार वाई, अब ध्यान से बोलना बेटा, ये माइनस का 3 पड़ा है, प्लस का 10 पड़ा है, इकट्ठा कर दूं तो क्या आएगा? 7 चार, ठीक है जी, प्लस 7 इज इक्वल टू 4y प्लस 3, जाओ जी सीट पर जाओ। 8th ए से हरमन, हरमन फ्रॉम 8th ए, दो हरमन है तो दोनों आ जाओ, दो हैं तो दोनों आ जाओ, उठ जाओ फटाफट। चलो ठीक है जी, आगे बताओ क्या करूं? आगे -4y को हाँ +7 ये लिखा हुआ, आगे क्या करूं ये बता बेटा।4y से 7 को माइनस कर अच्छा, 4y में से 7 माइनस हो जाएगा? देना -7। क्या करते हैं जब दोनों तरफ वेरिएबल पड़े हों, दोनों तरफ कॉन्स्टेंट्स पड़े हों, तो क्या करते हैं आगे? वेरिएबल को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेके जाते हैं कि नहीं? ये 4y को अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या बनेगा ये जी? 4y रहेगा या कुछ बदल जाएगा इसका? फोर वाई रहेगा, -4y, -4y पहले पड़ा था, इसको इधर ले आए -4y, अब इस 7 को उधर लेके जाऊं तो क्या होगा? प्लस प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस था, इधर भी प्लस करो, माइनस जाओ जी सीट पर। 8th ए से आदित्य, आगे सॉल्व करवा बेटा। आदित्य व्हाट इज टू बी डन? -4y -4y इज इक्वल टू 3 -7, बोल बच्चे क्या करूं? लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? ये इक्वल टू है बीच में, बोल बेटा। -4y -4y क्या बनेगा? प्लस प्लस हो जाएगा पक्का? बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं -2 -2, इसका आंसर क्या होगा? +4। माइनस 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 प्लस कब होता है? मल्टीप्लाई करते हुए कि ऐड करते हुए? ऐड करते हुए माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
माइनस तीन में अगर मैं माइनस दो ऐड करूंगी तो आपका मतलब है आंसर प्लस का 5 बनेगा। फाइव माइनस फाइव जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो आंसर नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव नहीं हो जाता। जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर पॉजिटिव बनता है। और माइनस टू का मतलब है माइनस दो में माइनस दो ऐड कर दो, ना कि माइनस दो को माइनस दो से मल्टीप्लाई कर दो। -4 तो यहां माइनस चार वाई और माइनस चार वाई मिलकर के क्या बनाएगा, माइनस एट वाई, -8 और यहां 3 माइनस 7 3 -7 ओहो -5 माइनस 5 -4 -4। कंफ्यूज हो गया बेटा थोड़ा सा। आप 3 में से 7 को माइनस करोगे तो -4। बैठ जाओ बेटा, माइनस माइनस कैंसल, वाई इज इक्वल टू 4/8, सो आंसर आएगा वन। अब आप ये देखो कि आप कितनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने। क्लास का फायदा ये है कि आप ये चीजों को नोट करो, कहाँ कहाँ गलती करी है आपने, और अगली बार वो गलती ना करो, तब तो फायदा है। एक ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत गलती करते हैं। व्हेन आई राइट माइनस टू डजंट मीन आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू, आई एम एडिंग दीज टू, और दो नेगेटिव्स की एडिशन से हमेशा नेगेटिव आंसर मिलता है, दो नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन से पॉजिटिव आंसर मिलता है। इज इट ओके, समझ में आई बात? ठीक है, यस असर्शन रीजन हमने इसके पहले कर लिए थे, केस स्टडी रह गई है, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। यहाँ पर जो भी कोई टीचर्स हैं, अगर 8th क्लास के ही टीचर हैं मैथ्स के, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आप अगला चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून मैम, गुड मैम, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? दैट्स आवर चैप्टर, दैट इज और उसके बाद अभी मई तक वही है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, थ्री चैप्टर्स इन आफ्टर द मई मंथ, राइट मैम? ठीक है मैम, ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, जी, हाँ जी, हाँ जी, इसको 8 से मल्टीपल 4 टू 8 कर 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 देते तो भी हमारा आंसर सही आना था। कहां पर 8 से कर देते? अगर मैम जो पहले सबसे ऊपर है 2 और 4 को, आप 8 LCM, मतलब अगर आप LCM की बात ले रहे हो, आप अगर डिनोमिनेटर को सेम करके 8 भी बना दोगे, आंसर ठीक आ जाएगा, आंसर में गड़बड़ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको 4 और 2 का LCM लेने को बोला जाए, तो बेटा 8 मत कह देना कभी, क्योंकि अगर आपने डिनोमिनेटर सेम करके 8 बना दिया है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है जी, चलो ठीक है बच्चों, ओके जी, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द क्लास, बाय 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 बाय, बाय बाय। थैंक यू फॉर टीचिंग, थैंक यू फॉर टीचिंग।